बेसिक शिक्षा विभाग जिले के 25 परिषदीय स्कूलों के छात्रों को नए स्कूल भवन की सौगात देने जा रहा है। इन स्कूलों के पुनर्निर्माण की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। अगले शैक्षणिक सत्र से पहले निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। इसमें 13 प्राथमिक, 3 उच्च प्राथमिक विद्यालय और 9 कंपोजिट विद्यालय शामिल है। स्कूल बिल्कुल खस्ताहाल हो चुके हैं। नए शैक्षणिक संस्थान सत्र से पहले जो है इनका काम हो जाएगा। गाजियाबाद बेसिक शिक्षा प्रभारी सर्वेश कुमार ने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसकी स्वीकृति मिल गई है। प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में 2 कक्षाएं बरामद हुए और ऑफिस यहां पर बनेंगे, और वहीं उच्च प्राथमिक में 3 कक्षाएं बरामदा और ऑफिस का निर्माण होगा। निर्माण नए शैक्षणिक सत्र से पहले करा दिया जाएगा। शिक्षा प्रभारी ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में बच्चों को जर्जर पड़े भवनों में नहीं पढ़ाया जाता। इसके लिए एडिशनल में बच्चों के लिए जगह रखी गई है। जब तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक बच्चों को अतिरिक्त कक्ष में पढ़ाया जा रहा है। गाजियाबाद से आलिम बारसी की रिपोर्ट। 25 स्कूल पूरे जिले में हैं और वो REES बनाएगी, सेंसर हो चुके हैं और इसी फाइनेंशियल ईयर में उनका बनाने का टारगेट है। तो ये जो काम जल्दी शुरू होने वाला है। सर, किस योजना के तहत होगा निर्माण? कितने ऐसे भवन हैं जो खस्ता हाल में पड़े हैं? अब तक यह निर्माण पूरा हो जाएगा कब तक? मतलब ये जो 25 विद्यालय हमारे जो जर्जर पाए गए थे, इसके लिए धनराशि आर्ट हो चुकी है, स्वीकृत हो चुकी है और इसी फाइनेंशियल ईयर में इसका काम प्रारंभ हो जाएगा।